चलिए, कुछ समय बचा हुआ है, अपने अपने स्टूडियो को याद करो और तुक्का लगा दो। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं बन रहे तो, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस बार रिस्पांस पहले से ज्यादा अच्छा रहा, ठीक है, गुड। मुझे अरे भी तीसरे देखकर पॉइंट अच्छा लगा। से ज्यादा रहा, डिफरेंस कैसे कैसे हाँ? ज्यादा तो नहीं है क्या? एकदम आसान आसान है क्या डिफरेंस? यस सर। हाँ, चलो बता दो डिफरेंस, बता दो। 25 हाँ, 25, 23 ट्वेंटी 23, 26 24 है ना, 25, 26, बस इतने डिफरेंस तो रहा था यहाँ पर, है ना। तो चलिए बच्चों, इसको मैं यस सर। एग्जिट कर रहा हूँ, इससे मैं हटा रहा हूँ, है ना। अब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ एबीसी, ओपन न्यू इमेज। कहाँ चला गया ये? अल्फाबेटिकल, ठीक है। भाग दो, पार्ट टू। सबको स्क्रीन दिख रहे ठीक से? क्लियर है सबके फोन में? यस सर। ओके, अब एक बार देख लो, चेक कर लो, क्या आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सीरीज वही रहेगा ना, अब इसमें कोडिंग आसान है डिकोडिंग भी आप सर। यूज कर सकते। आसान है तो चले फिर आसान को और आसान बनाते हैं। तो अब थोड़ा से समय मैं कम करूंगा ना, 60 सेकंड का रखता हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए मैं लाइपोल दे रहा हूँ, कौन सा आंसर होगा। तो ये लाइपोल दे दिया गया है। चलिए, कल दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा रीजनिंग का। नॉन वर्बल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि नॉन वर्बल वही चित्र वाला है, आप इजीली बना सकते हो। वर्बल का मैं हो सके तो कल कोडिंग डिकोडिंग या डायरेक्शन पे ही बता सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ, सब तो पढ़े हुए हो आप लोग, है ना। और एक चीज ध्यान में रखना है, अच्छे से थोड़ा से समय दे रहे हो यार, मान लो बात समय नहीं दे रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि इसके बाद और दोबारा वो होगा नहीं। आपके एग्जाम का लगभग लगभग 30% to 40% मेरे हाथ में है, और उतने ही परसेंट मैंने आपको समय दिया है, बाकी तो गया काम से, ठीक। एकदम ज्यादा व्यस्तता हो जाने के कारण मैं समय नहीं दे पा रहा था। गुड, वेल ट्राई। इस यस बार तो मैं क्या ही बोलूं, निशब्द हूं। गुड, ऑप्शन नंबर कौन सा है? आएगा, ए आएगा ना, एम। सर। तो सर चलिए फिर अब नंबर रैंक। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि नंबर आप लोग के लिए, हाँ नंबर हाँ सीरीज से ओके, ज्यादा अल्फाबेटिक सीरीज ज्यादा अच्छा लगता है। अल्फाबेटिकल सही बोल रहे हो आप, अल्फाबेटिकल ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो आता है ना कोडिंग डिकोडिंग वाला, है ना, ट्रैक को क्रैक लिखेंगे, क्रैक को फ्रैक लिखेंगे, तब कभी कभी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह ना घुमा अच्छा देता है वो चीज, उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है, ठीक है। तो अब मैं सीरीज में यस तो नहीं पूछूंगा, सीरीज मतलब क्रम में नहीं पूछूंगा, अब रैंडम पूछूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब इतना आसान है तो भैया क्यों हम आपको वो करें, ठीक। अब समय भी थोड़ा सा कम दे देंगे, उसमें क्या है। तो चलिए फिर, 30 सेकंड का समय के साथ क्वेश्चन नंबर थ्री। लो, टाइमिंग बढ़ा दूंगा ना, आराम से बनाओ, टाइमिंग बढ़ा दूंगा। कैसे टाइमिंग बढ़ाओ? आंसर तो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, तो गड़बड़ हो गया रे बाबा। चलो कोई नहीं, इष्टदेव को याद कर लो, 3 सेकंड बचा है बस। गुड, क्या रहेगा इसका आंसर वैसे? क्वेश्चन नंबर थ्री का, क्वेश्चन नंबर थ्री तो दिया था ना मैंने, थ्री तो कहा था ना। यस चलो एक बार और फिर देता हूँ ना, एक बार फिर से देता हूँ आंसर। आपका आंसर डी आएगा, आप लोग बताइए डी कैसे आएगा, बस ये बता दीजिए मुझे डी कैसे आएगा। अब इस बार सॉल्यूशन मैं नहीं, आप लोग बताएंगे, है ना। डी आएगा, पर आएगा तो आएगा कैसे? सोच कि कौन लो,
क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर यहाँ पर डी आएगा ना, ठीक है? वाई तो यस सर, वाई है क्योंकि उसमें ना जो सम संख्या है, सम संख्या जैसे कि पहले चार था उसके बाद छह फिर आठ था, दो चार छह, दो चार छह आठ ऐसे होना तो नहीं, मतलब चार छह आठ मैं समझा नहीं, चलिए ठीक है थोड़ा सा देखते हैं। तो सम संख्या जैसे कि ए है आपके पास, हाँ चार छह आठ ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है? इनके बीच का जो डिफरेंस है वाला ये है आई है और यहाँ पर क्या है पी है, ठीक है? अगर हम देखेंगे तो एक इसका हो जाएगा इतना चार, इसका हो जाएगा नौ और इसको हो जाएगा सोलह, तो इसमें क्या उसमें देखना हो, इसमें उसमें क्या करना है, ठीक है? डायरेक्ट देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कहीं गड़बड़ी भी होती है डायरेक्ट रखने पर। इनके बीच अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो तीन का है, ठीक है? डी के बाद अगर हम आई में जाते हैं ना तो डी के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच आई है ना, पांच। हाँ ठीक है, वैसी यहाँ पर दो का अंतर मान रहे हो, यहाँ पर चार का अंतर मान रहे हो, मैंने यहाँ पर तीन माना और यहाँ पर मैंने पांच माना, तो आप अपने हिसाब से क्या अंतर मान रहे हो कि सर यहाँ पर हमने दो जोड़ा तो दो के बाद अगला वाला इसमें आया, चार जोड़ा तो चार के बाद अगला वाला ये आया है ना, छह जोड़ा तो छह के बाद अगला वाला ये आया, आठ जोड़ा तो आठ के बाद अगला वाला ये आएगा, ठीक है? तो वो भी सही है, आप अपने तर्क से भी अगर बना रहे हो और आंसर सही आ रहा है, ठीक है, तो वो सही है, ठीक। बस यहाँ पर अगर मैंने जो तर्क लगाया था वो कुछ इस तरह से था कि ए में मैंने तीन जोड़ा तो डी आया, फिर डी में मैंने पांच जोड़ा तो आई आया, तो आई में मैंने कितना जोड़ा, पांच, सात जोड़ा तो नौ आया, तो वही है ऑड इवन डिफरेंस, अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है? तो चलो फिर एक आध और क्वेश्चन यहाँ से, एक आध क्वेश्चन क्या बहुत सारे सब क्वेश्चन को करेंगे, उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर इलेवन, एक मिनट का समय दूंगा ना, क्वेश्चन नंबर इलेवन, ठीक है? देख लो, ऐसा मुझे लग रहा है बन जाएगा, चलिए डेढ़ मिनट का समय, क्वेश्चन नंबर इलेवन के लिए सेम सेम क्वेश्चन और है ना, तो समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है जो तीन तीन अल्फाबेट के साथ हो, तीन तीन चार चार। ओके तो चार बच्चों ने ट्राई किया है, टाइम लेट हो गया ना, चलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो क्या आएगा बताइए, तो क्वेश्चन नंबर टेन का दिया था कि इलेवन का दिया था, मैंने इलेवन का दिया था, इलेवन का दिए थे सर, है ना, इलेवन का दिया था ना, अरे मैं खुद भूल जाता हूँ, अभी तक बीमारी जा नहीं रही, लगता है योगा वोगा करना पड़ेगा, योगा से भी तो कुछ नहीं हुआ, इतना योगा किया जितना योगा किया, बताओ कुछ खाने पीने का होगा तो भाई हमें भी खिलाओ पिलाओ, सर की याददाश्त स्ट्रांग रहे। अभी देखो एसएसटी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, अगर एग्जाम दिलाने बैठ जाएंगे ना तो मैं सही बता रहा हूँ, मैथ साइंस और शायद हिंदी इंग्लिश बना दूंगा, लेकिन एसएसटी ना आप लोग अच्छे नंबर ले आओगे, जी जे एन। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, ए बी सी डी,
अगर मैंने यहाँ पर लिखा है इसको इस तरह से सीरीज से नीचे नीचे करके लिखा है, ठीक है ना, तो इनके भी देखो प्लस थ्री है ना, यहाँ पर भी मैंने किया प्लस थ्री, यहाँ भी देखो प्लस थ्री, यहाँ भी हो जाएगा प्लस थ्री, एच आई जे के है ना प्लस थ्री, यहाँ भी कितना हो जाएगा प्लस थ्री। या तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो ना, देखिए क्या लिखा है, ए डी एच लिखा है, ए के बाद ये कितना बार में है, ए बी सी डी तीन बार में है ना, फिर उसके बाद डी ई एफ जी है ना, दो दो तीन तीन का अंतर है, उसी प्रकार इनका इनके बीच का अंतर निकाल लो, ठीक है, बीच वालों के बीच वाले के साथ अंतर निकाल लो और आखिरी वाले का आखिरी वाले के साथ अंतर निकालो, ठीक है, डिफरेंस वैसे ही निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को, पहले वाला का डिफरेंस पहले वाले के साथ, दूसरे वाला का डिफरेंस दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाला का डिफरेंस तीसरे वाले के साथ, ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया वाला क्वेश्चन जो वही मैंने बताया है कि इस तरह से अंतर निकालना करके? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके लिए भी मैं 1.5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर पहले वाले का अंतर दूसरे वाले के साथ निकालो, दूसरे वाले का अंतर नहीं, पहले वाले का अंतर पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा ना। तो टाइम इसके लिए भी मैं दे रहा हूँ 1.5 मिनट का। चलिए अपने अपने इष्ट देव को याद करने की बारी आ गई है। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे हरि राम, प्रेमानंद, ये क्या हुई? गेट ऑप्शन नंबर बेस करेक्ट। तो चलो बताइए कैसे आपने आंसर नंबर बी लाया है, सबको बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या, किस तरह से आपने अंतर निकाला है, हालांकि मैंने हिंट तो दे दिया था क्वेश्चन नंबर 5 का। म्यूट तो नहीं हो जी, म्यूट तो नहीं हो, बताओगे क्या कैसे, कि कोई ट्राई जरूर कर रहे हो बताने की, कोई नहीं कर रहे हो सर? मैं हाँ करो करो बिल्कुल, बताओ 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 सर। ए और सी, हाँ हाँ ए और सी में, और सी और सी और ई का प्लस टू एस ही है, नीचे साइड ना माइनस टू है। यस, अब देखो पहले वाले में ए सी ई में क्या हुआ है ना, प्लस टू हुआ है, और जेड एक्स और वी में माइनस टू हुआ है ना, एक्स एक्स वाई जेड होता है क्या, जेड एक्स वाई जेड, वैसे माइनस टू है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स एबीसीडी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस टू माइनस हो गया, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो ना ए बी सी डी वाला, और यहाँ से उल्टा पढ़ सकते हो टी एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे आगे से भी पढ़ के जा सकते हो, पीछे से भी पढ़ के आ सकते हो, ठीक है, तो यह तरीका भी आपके लिए आसान रहेगा। ऐसे चीजों में आप आगे से ही पढ़ के जा सकते हो, अगर आप लोग को लग रहे हाँ यार यहाँ पर तो कुछ है, ठीक है, तब ऐसे कर सकते हो। तो ये तो रहा था सीरीज का, बच्चों सीरीज में आपको ऐसी जोड़ने घटाने वाला चीज ही मिलेगा, यदि मैं अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेटी का